नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक चौरसिया और आप लोग देख रहे हैं डीपी के यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आईफोन 6s में जो iOS 14.6 अपडेट करने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, जैसे बैटरी प्रॉब्लम हो गई, बैटरी लोगों की बहुत ज़्यादा हीट जो है ओवर जो है नाइट में अपने आप ड्रेन हो रही है, ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, लोग अपने फ़ोन को यूज़ भी नहीं करें उसके बावजूद आपके फ़ोन की जो बैटरी है वो ड्रेन हो रही है, तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको सारे कुछ समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आईफोन से रिलेटेड मैं अपने चैनल पर वीडियो लाता रहता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले देख लीजिए जो मेरे पास डिवाइस है वो है आईफोन 6s और इसको मैं जो है iOS 14.6 का जो अपडेट है, आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को ही अपडेट आया था, तो करीब 7 दिन हो गए, 7 दिन से मैं अपने फ़ोन में iOS 14.6 का जो अपडेट है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे फ़ोन में भी सच में प्रॉब्लम आ रही है, बैटरी प्रॉब्लम जो है ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो मेरी अपडेट है वो है iOS 14.6। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे गाइस इस प्रॉब्लम को ठीक कैसे किया जाए, उससे पहले आप लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस कि जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उससे पहले आप लोग ये ट्राई कीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन में बैटरी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है तो आपने फ़ोन को सबसे पहले एक काम कीजिए, जो है उसकी बैटरी हेल्थ चेक कीजिए। उसकी बैटरी हेल्थ अगर आपकी 82% है, 80% है, तो उसको हमेशा थोड़ा कम चार्ज कीजिए, अभी थोड़े दिन के लिए मैं बता रहा हूँ, जब तक के लिए गाइस जो है ये चीज़ ठीक नहीं हो जाती। और उसको लो पावर मोड पर इस्तेमाल कीजिए जो कि बहुत ही सही रहता है। अगर आप ऐसे यूज़ करते हैं गाइस, और अगर आप ये चीज़ें पहले से कर रहे हैं तो फिर इसको आप मत कीजिएगा, आप जो मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो कीजिएगा। और सबसे पहले आप लोग इसको जो है बैटरी को जो है कम चार्ज करें, थोड़ा जितनी बैटरी हेल्थ है उसके 2-3% कम चार्ज करें और उसको लो पावर मोड में इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ गाइस है, जाइए अपने फ़ोन की जनरल में और यहाँ पर गाइस जाइए आप जो है ये जो ऑप्शन आता है यहाँ पर रिफ्रेश का और बैकग्राउंड ऐप एंड रिफ्रेश का, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड में जो ऐप रिफ्रेश होते रहते हैं यहाँ पे जो है सबको ऑफ़ कर दीजिए, जो मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है गाइस, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने जो है इसको बैकग्राउंड रिफ्रेश जो है वो ऑफ़ कर दिया है। इससे क्या होगा गाइस, बैकग्राउंड में जो ऐप वगैरह चलती रहती हैं उनका जो बैटरी खपत होगा वो बचेगा। इसको ऑफ़ कैसे करना है, आप सिंपली से इसके यहाँ पर जा सकते हो गाइस और यहाँ पे इसको ऑफ़ कर सकते हो, जैसे मैंने ऑफ़ कर दिया। और यहाँ पे एक क्लिक इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है इन लो पावर मोड बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश इज़ डिसेबल्ड, अलाउ ऐप्स टू रिफ्रेश देयर कंटेंट व्हेन अ वाईफाई और अ मोबाइल नेटवर्क इन द बैकग्राउंड। तो यहाँ पे मैंने लो पावर मोड पहले इस्तेमाल कर जो है ऑन कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा। जब आप लो पावर मोड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो ये ऑटोमेटिक जो है बैकग्राउंड में रिफ्रेश होना बंद कर देते हैं। तो ये तो हो गई वो बात जो आप पहले से कर रहे हो। अगर इसके बावजूद आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही है तो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, पहले इसको ऐसे ही बंद कीजिए, इतना काम तो आपको करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद गाइस जाना है यहाँ पे बैक कीजिए और यहाँ पे सबसे नीचे जो ऑप्शन आता है गाइस रीसेट का, यहाँ पर जाइए और यहाँ पर जो रीसेट ऑल सेटिंग्स है इसको करना है गाइस। जी हाँ, इसको आप करोगे तो थोड़ी बैटरी प्रॉब्लम जो है वो आपकी ठीक हो जाएगी। और मैं गाइस आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहता हूँ, जब आप इसको सेटिंग रीसेट ऑल सेटिंग करोगे तो आपके जितने भी वाईफाई पासवर्ड हैं, जितने भी पासवर्ड हैं जीमेल आईडी के, एप्पल आईडी के पासवर्ड, हो सकता है वो रीसेट हो जाएं और आपको दोबारा से पासवर्ड डालना पड़े। दोबारा से जब पासवर्ड डालोगे तो वो एक नया पासवर्ड नहीं बल्कि जो आपका पुराना पासवर्ड होगा वही डालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और रीसेट ऑल सेटिंग करने से पहले, तो यहाँ पे फटाफट से जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड पूछेगा, आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड। तो पासवर्ड डालने के बाद गाइस यहाँ पे आएगा साफ साफ लिखा है दिस विल रीसेट ऑल सेटिंग्स, नो डाटा और मीडिया विल बी डिलीटेड। कोई डाटा, मीडिया, फोटो वगैरह, कॉन्टैक्ट वगैरह कुछ डिलीट नहीं होगा, लेकिन जो गाइस आपकी जो सेटिंग्स के पासवर्ड वगैरह हैं यानी कि होम स्क्रीन, लॉग स्क्रीन, सारे पासवर्ड जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं तो करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे पासवर्ड कई चीज़ों के याद नहीं है, इसलिए मैं करूँगा नहीं। और आप फटाफट से इसको कर लीजिए, आप अपने पासवर्ड को ज़रूर याद रखिएगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद से अपने आप पासवर्ड जब ये अपना जो है आपका रिसेट ऑल सेटिंग हो जाए उसके बाद अपने फ़ोन को सेटअप करके, सेटअप तो रहेगा ही रहेगा, कुछ सेटिंग वगैरह नहीं जाती है, बाकी अपने पासवर्ड फिर से डालिएगा गाइस। उम्मीद करता हूँ कि जो है आपका जो बैटरी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी
और अगर फिर भी नहीं होती फिर तो गाइज एक ही ऑप्शन बचता है, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार। जब भी iOS 14.7 या फिर iOS 14.6.1 का अपडेट, जो भी अपडेट आजकल में आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए या फिर आज ही आ जाए शाम तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अपडेट आएगा मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।